चंपा देवी पार्क में चल रहे रामकथा के दूसरे दिन विश्वविख्यात कथावाचक मुरारी बापू ने श्रोताओं को अपने अमृतवाणी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामकथा में मुरारी बापू ने श्रोताओं को कथापन करते हुए कहा कि प्रभु की कृपा से गोरखनाथ की तपोस्थली पर महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में शारदीय नवरात्रि में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुरारी बापू ने कहा कि शिव से जनित यह नवरात्र परंपरा है। भक्त भक्ति भगवान और गुरु एक ही नाम है। प्रभु राम का नाम, राम की कथा, स्वयं भगवान राम और श्री भरत जी, यह चतुर्थ नाम जो एक है। राम कथा में राम है, राम का नाम भी राम है और राम का चरित्र भी राम है। इस मौके पर कथा का वाचन करते हुए मुरारी बापू ने कहा, गरुड़ के प्रश्न के उत्तर में आप जान, तो कोई माने न माने सब स्वाधीन है, लेकिन ये चारों एक हैं। राम कथा लो तो आपने राम को ले लिया, राम का नाम लिया तो आपने राम को ले लिया, भरत चरित्र ले लिया तो आपने राम को ले लिया, और राम को लिया तो आपने राम को ले लिया। हमारे एक रामायण ही थे गुजरात में, त्रिकमदास जी बापू, गुजराती शरीर था लेकिन मानस के अच्छे, उस समय के माने गए विद्वानों में से एक। आप तो कहते थे कि शिव, हनुमान, भगवान राम और भरत, ये चार नाम वेद है, बाकी एक है। शिव भी राम, हनुमान भी राम, भरत भी राम और राम भी राम। तो जिसने पूछा है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये चार नाम है, वपु एक है। वैसे गोरख परंपरा में, ये तो आपने पूछा इसीलिए मैं चल पड़ा, गोरख परंपरा में महादेव, गोरख, सिद्ध और नाथ, नाम चार है, वपु एक। पूरी गोरखी परंपरा ले लीजिए साहब, उसका मूल तत्व तो भगवान महादेव है, परम तत्व। शिव किसी का सेवक नहीं, याद है। हाँ, राम और ये एक होने के कारण मेरे गोस्वामी जी ने कहा, सेवक स्वामी सखा सी, ये तो एक है। लेकिन भुसुंडी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जब शिव को हरि का सेवक बताया तो मेरे हृदय में देश पर, आप उसको हरि का, जहां एक निष्ठा कहती है कि शिव हरि का सेवक नहीं, शिव शिव है। तो आजकल तो दुनिया में शिव को कैसे भी खिलौने की तरह लोग, ये हमारा सेवक है, ये हमारा सेवक है, जो हम जीव कहलाने के लिए भी योग्य नहीं है। क्या हम जीव कहलाने के लिए योग्य है? जीव तो बड़ी प्रतिष्ठा पाता है मानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाश, कितनी प्रतिष्ठा है जीवों की अपने को कोसो मत, हम जीव, हम जीव, हम तुच्छ नहीं। मानस जितना आदर देता है शायद जीवात्मा को किसी ग्रंथों ने आदर जो सम्मान किया है। जो दुणा था, यज्ञ कुंड था, कहते उसमें से भस्म लेकर के उस ब्राह्मणी देवी को दे देते, भस्म का पान करो, भगवान महादेव करे आपके घर महादेव जैसा बेटा प्रकट हो जाए। हमें वास्तविक गोरक्ष महादेव जैसा पुत्र प्राप्त लो के आपसे निवेदन करो,
कि गुरु की चरण रज में और अतीत की धूनी की भस्म में बहुत ताकत है। एक गुरु की चरण, हमारे गुरु स्वामी जी ने तो गुरु चरण की रज के बारे में गजब, गुरु चरण की रज की बड़ी महिमा। वृंदावन चले जाइए तो क्या कहते हैं लोग, क्या चाहिए, कृष्ण रज नहीं चाहिए उसको, भले ही कृष्ण जगत गुरु हो, कृष्ण मंदे जगतगुरु, लेकिन वो रज वृंदावनवासी नहीं चाहते। वो तो कहते हैं किशोरी तेरे चरण की रज पाओ, ए किशोरी तेरे चरण की रज। रुद्धव जैसा बुद्धि सप्तम श्रीमद् भागवत जी में भी कहते हैं वंदे नंद व्रजस्तेनाम, मुझे व्रज ललिताओं की चरण धूली को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम, जिसके मुख से निकली श्री कृष्ण कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है। इन व्रजांगनाओं की चरण को मैं, चरण रज की बड़ी महिमा है यार। और अतीत का धुना जब खोलो तब आग भस्म करना, उसने धुने की भस्म दे दी देवी जी को, माता जी को, ब्राह्मणी देवी को। हाँ, उसको लगा कि इससे क्या होगा, कोई सुनेगा, तो गए ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण होते हुए उसने एक अवधूत किया, भस्म ले ली, इसमें ब्राह्मण का पल्ला नीचा हो जाएगा, आदि आदि लोग अपवाद को उसको लगा कि ठीक नहीं। तो कहते हैं उसने एक गोबर आदि का कुछ ढेर था, उसमें भस्म डाल दी। किसी के चरण रख लेना मत, लेकिन लेने के बाद अवहेलना मत करना, ये तो लेना ही मत, लिया तो अवहेलना मत करना। 12 साल बीत गए साहब, गोरख चरित्र ऐसा कहते, 12 साल बीत गए और भी अलाख निरंजन का नाद करते हुए बसंदर नाग। मैं तो ये सोचता हूँ कि इतने सालों पहले का हिंदुस्तान कैसा होगा, जब ये सब योगी राज यहाँ परिभ्रमण करते होंगे, भूमि पर ये मंजर की कल्पना कर रहे होंगे लगता है। तो ब्राह्मणी के घर गए, लड़का 12 साल का हो गया हो, मेरी धुने की भस्म का संतान, मैंने कहा था कि महादेव जैसा पुत्र होगा, तो कम से कम मैं तो महादेव की परंपरा में हूं, तो महादेव का दर्शन तो कर लू। बाबा मच्छंदर नाग ब्राह्मणी के घर आते हैं तो संकोच महसूस कर रहे हैं, 12 साल बीत गए, जाके कहां है लाल, कहां शिव गोरक्ष, माफ करिएगा, क्यों कहां छिपा रखा है बताओ। बाबा मैं ना समझ, लोक अपवाद और अश्रद्धा के कारण आपकी दी हुई, आपके साधना रत धुएं की भस्म मैंने गोबर में डाल दी, इसमें डाल दी, वो ठीक नहीं किया। लेकिन कहां कहां डाली देगा, अरे साहब जी भी हो गए जो मच्छंदर नाग, जब ये ढेर पर जाकर के गांव आवाज दी, और उसी समय 12 साल का ये आवरण को भेद करते गोरखनाथ जी को।